देखिए बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से लेकर 60 अंश हो जाता है। बताइए बेटे, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है बेटे, क्या है बच्चों, इधर देखते हैं। इधर हमारा सॉरी बेटे इधर हमारा इसको देख लेते हैं। ये हमारा भवन है, ठीक बेटे, ये भवन है और इस भवन से कुछ दूरी पर, मान लो इतनी दूरी पर 1.5 मीटर लड़का खड़ा हुआ है। कितना खड़ा हुआ, 1.5 मीटर ये लड़का है, ये भवन है। भवन की ऊंचाई बेटे कितनी है, 30 मीटर। कितनी बेटे, 30 मीटर। अब यहाँ से इसके आधार से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लड़का खड़ा हुआ है तो 1.5 मीटर। जब लड़के की आँख, यहाँ पर बेटे आँख है इसकी, ठीक है, आँख का शिखर का उन्नयन कोण जब वो खड़ा था यहाँ पे तो 30 मीटर ऊंचे, यानी कि ए भी भवन, ए भी हमारा भवन है और सी और डी क्या है, लड़का है। तो ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है और इसकी आँख यहाँ यहीं पर होगी, ठीक है, आँख, क्योंकि बच्चों आँख सिर पर होती है, सिर के, तो इसके माध्यम से वो लंबा है उतनी लंबाई में उठानी पड़ेगी, ठीक है बेटे। तो ये हमारा यहाँ से इसका उन्नयन कोण बेटे कितना है, 30 अंश है। कितना बेटे, 30 अंश है। जब वो यहाँ से चलकर यहाँ आया, ठीक है, लगभग कुछ दूरी चला, तो बेटे सुन ले रहा, पास जाने पर आँख का कोण बढ़ता है और दूर जाने पर आँख का कोण कम हो जाता है। बच्चों क्या, पास जाने पर आँख का कोण बढ़ता, पास जाने पर आँख का कोण बढ़ता है और दूर जाने पर आँख का कोण कम होता है, ठीक है बेटे। लेकिन कोण बड़ा होने पर दूरी कम होती जाती है और कोण छोटे होने पर दूरी बढ़ती जाती है बच्चों, ठीक है। ये हमारा चित्र है, जब ये लड़का यहाँ से चलकर लगभग यहाँ आ गया, ठीक है, तो कोण भी 30 से बदल कर बेटे कितना हो गया, 60 रह गया, ठीक। अब हमें लड़का इतना लंबा है 1.5, तो यहाँ पर भी 1.5 ही रहेगा और यहाँ तक 1.5 रहेगा, तो ये दूरी और ये दूरी सेम रहेगी, तो क्यों ना इसका हम नाम डाल लें, क्योंकि सी डी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर भी रहेगा, ठीक, यही लड़का सब चीज। तो कंडीशन क्या है बेटे, अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी की बात चल रही है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम कितनी मान ले रहे हैं, एक्स चल गई, और यहाँ से यहाँ तक की और अपनी तरफ से रख ले रहे हैं कितनी, वाई। तो अगर हम टोटल निकालेंगे बेटे तो एक्स प्लस कितनी हो जाएगी, वाई, इतनी एक्स, इतनी हमने निकाल ली है। अब जो दिया है वो देख लेते हैं, और ये 30 है, जब जे 1.5, जे 1.5, जो जे भी कितनी हो बेटे 1.5, तो बेटे 30 में से 1.5 कटाएंगे तो आपकी जो रहेगी 28.5 मीटर, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ठीक है बेटे। अब हमारे सामने हमें एच भी मिल गई, ये हमारी एच है, ठीक है, थीटा हमारे दे रखे हैं, जो हमें दिया है वो हम रख ले रहे हैं भाई। एच बराबर हमें कितना दिया है, 28 दिया है मीटर में, ठीक, और लड़के द्वारा चली दूरी माना, यही मान ले रहे हैं, ठीक है बेटे। और थीटा वहाँ कितने दी, थीटे, थीटा दिया है 30, 30 दिया है, कॉमा 60 दिया है, और लड़के द्वारा चली दूरी हम मान लेते हैं, सॉरी बेटे एच हमारा, देखिए बेटे इसको, सॉरी ये चीज़ हमारी, इसको हटाओ, ये 28.5 बेटे, सॉरी बेटे 28.5 है, क्योंकि ये वाली 28.5 तो ये भी 28.5, इसी दूरी की बात कर रहा हूँ मैं, इसी की, यही हमारी एच है, ठीक है। अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और हम मान लेते हैं, माना लड़के द्वारा चली दूरी, यानी कि जो दूरी है लड़के द्वारा चली दूरी कितनी है, इनका नाम दे दे रहे हैं हम, लड़का हमारा सी डी है, इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है, तो मानते हैं माना लड़के द्वारा द्वारा चली चली दूरी बेटे, लड़के द्वारा चली दूरी, चली बेटे क्या दूरी कितनी वाली, बेटे ने एक्स मान ली, ठीक है,
इनके हम पॉइंट कुछ पॉइंट इनके कुछ पॉइंट रख दे रहे हैं इनके हम, जैसे हमारा सी है, ए डी है, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं ई और एफ। ठीक है, अब या तो इसे नाम दे दो त्रिभुज में वाला लेंगे तो इसका नाम दे दो सी से ई तक की दूरी। ठीक है, सी से क्या है इसका नाम एक्स पर दिया है एक्स मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है सी से ई तक, तो इसी का नाम है सी ई। तो जब तक हम ई से यहाँ तक इसका नाम होता है जी, ई से जी तक की दूरी नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने क्या मान लिया है वाई। ठीक है, वाई मान लिया बेटे हमने, क्या मान लिया है ई से जी तक क्या है वाई मीटर। तो हमारा इस ट्रायंगल के लिए, इस बड़े वाले के लिए, इस बड़े ट्रायंगल के लिए, इसके लिए, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इसका नाम लिख देंगे सी और जी। ठीक है बेटे, सी और बेटे आपका जी कितना दिया एक्स प्लस वाई मीटर। ठीक है बेटे, ये सारी दूरी हमने मान ली है। और मेन मोटिव हमारा क्या है, मेन मोटिव हमारा यही है कि हमें एक्स निकालनी है। क्या निकालनी बेटे, एक्स निकालनी है। तो इस एक्स को निकालना है और इस चित्र को अच्छी तरह ध्यान से देखें। तो बेटे अगले चित्र बनाने के लिए इसका इतना इतना हिस्सा हम अपना अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला हिस्सा है इधर वाला, तो हम इतना इतना ले रहे हैं जितना हमें जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये बेटे हमारे हमारे पास ये 28 है मेरे पास 0.5। ठीक बेटे, ये 60 डिग्री है। ठीक बेटे, और ये वाला कितना 30 डिग्री है। इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, इतनी हमारी y है, और पूरे के लिए कितनी है बेटे x प्लस y है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये c है, ये आपके सामने मैं e मान चुका हूँ, ये g है, और ये आपके लिए a है। इतनी दूरी से हमारा काम चल जाएगा। नीचे तो लड़की की लंबाई केवल, पूरा पूरा काम हमारा यहीं तक है। ठीक है बेटे, और इसी के द्वारा हमें लड़के द्वारा चली दूरी मिल जाएगी। तो पहले हम एंगल ले ले रहे हैं बेटा, कोई सा भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, आधा निकालना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है ए जी, इसका नाम क्या ई, ए जी ई में, ए जी ई में। ठीक है बेटे, क्या है ए जी ई में। तो देखिए बेटे क्या है, टेन लेते हैं, थीटा हमारा कितना है 60 है, 60 डिग्रीज में, थीटा 60 है, टेन 60, टेन 60। ठीक है, टेन 60 है, क्योंकि हमने ये वाला बेटे, ये वाला लिया है। ठीक है, ये वाला लिया है इतना इतना। ठीक है, तो ये हमारा थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, थीटा ये लिया है इतना इतना। ठीक है बेटे, तो थीटा 60 डिग्री है, और एच हमारी जो क्या होता है टेन में क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी टेन 60 इक्वल, टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो टेन 60 दिया है, लंब कितना हमारे पास, ठीक है 28.5 अपॉन कितना है वाई। तो बेटे टेन 60 की वैल्यू आप जानते हैं, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू बेटे, टेन 60 इक्वल वन अपॉन, सॉरी क्या होती है टेन 60, टेन 60 की वैल्यू बेटे होती है, ठीक टेन 60 रूट थ्री होती है, कितनी बेटे रूट थ्री होती है, रूट थ्री होती है बेटे। ठीक है, तो यहाँ पर रूट थ्री रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई भेज देंगे हम, तो बेटे हमारा हो जाएगा रूट थ्री मल्टीप्लाई वाई इक्वल हो जाएगा 28.5। ठीक है बेटे, इतना हो गया। अब हमें बाई की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज देंगे, इसको थोड़ा मूव कर लेते बेटे। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन पूरा आ जाए। ठीक है, इसको बेटे मूव कर लेते थोड़ा, ठीक है बेटे इसको मूव कर लेते थोड़ा, क्वेश्चन हमारे अच्छी तरह आ जाए। चलिए बेटे, ठीक चलते बेटे। हाँ, ये हमारा दिया है, और हमें केवल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई इक्वल बेटे हमारा कितना हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा 28.5 अपॉन रूट में कितना है 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लिया, क्योंकि मुझे वाई की वैल्यू नहीं चाहिए बेटे, वैल्यू हमें किसकी चाहिए एक्स की चाहिए। तो अब हम ये वाला एंगल ले ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल ले ले रहे हैं जी वाला, इसका नाम क्या है ए जी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए जी सी में, तो पुनः समकोण, ठीक है बेटे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ठीक है बेटे, क्या ए जी सी में इसमें अंदर आया, तो इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री। थीटा कितना है इसका, थीटा यहाँ थीटा कितना है ए जी ई में 30 डिग्री, और पहले वाले में थीटा बेटा कितना था 60 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री थीटा है तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 ही लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी लंब बट्टे आधार क्या होता है, इसको हम ले रहे हैं इसको पूरे को लंब बट्टे आधार। ठीक है बेटे, तो हम यहाँ पर भी क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, तो 10 30 इक्वल लंब बट्टे आधार। अब आधार बेटे बदल जाएगा, लंब वही रहेगा 28.5 अपॉन एक्स प्लस कितना है वाई, क्योंकि बेटे इसका आधार है ना, इसका आधार कितना है 28.5, ये कितना आधा कितना है, लंब तो 28.5 है, ठीक है आधा कितना है एक्स प्लस वाई, तो रख दिया लंब बट्टे आधार। 10 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 होती है, यहाँ लिख दो इसमें ध्यान रहे कि 10 30 इक्वल होता है रूट में 1/√3। ठीक है बेटे, ये मल्टीप्लाई वाला किसमें भेजते हैं हम, डिवाइड वाला किसमें भेजते हैं बेटे, सॉरी बेटे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया एक्स प्लस वाई, क्या आ गया बेटे एक्स प्लस वाई इक्वल वाला कितना हो गया 28.5। ठीक है, अब ये डिवाइड वाले बेटे किसमें भेजते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है तो इधर हो जाएगा एक्स बन जाए एक्स, ठीक बेटे, और वाई बन जाए वाई, इधर हो जाएगा तुम्हारा 28.5 रूट में कितना आ जाएगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला बेटे भाग में चला जाएगा, गुणा भाग वाला बेटे सॉरी बेटे भाग वाला गुणा में चला जाएगा, ठीक है डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक, इसे इसकी बाई इधर भेज देंगे हम लोग, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स इक्वल बेटा हमारा हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल 28.5, ठीक है रूट में 3 माइनस बाई, ठीक है इसे डाल दो इक्वेशन सेकेंड, तो दो समीकरण एक से बाई का मान समीकरण दो में रखने पर, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या समीकरण एक बाद दो से, तो ये वाली जो वैल्यू बेटा आपको दिख रही है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपको दिख रही है वाली बाई की वैल्यू, ये वाली ये वैल्यू है ना बाई की वाली, ये यहाँ रख दो बाई जगह पर, तो लिख दो समीकरण एक से y का मान रखने पर, अब कहाँ रखो इसी में रखो टू में, तो रख दो बेटे वहाँ से रहो यहाँ रख दो x इक्वल 28.5 रूट में बेटे कितना है 3, ये बेटे रूट में 3 है आपका, माइनस 28.5 अपॉन रूट में बेटे कितना है 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं कितने वाले हैं 1, इसका बेटे एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं, लासा कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें सभी अरों का भाग चला जाए, लिए हुए लासा का में एक एक करके हर से भाग देते हैं, जो भागफल बचता है उसका उसी के अंश में गुणा कर देते हैं जिसके नीचे वाले हर से भाग दे रहे हैं, तो बेटे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का रूट में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटे रूट 3, अब 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 28 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 की 5 पॉइंट लगा दो, अब 3 8 जा 24 और 1 5, ठीक है अब 3 2 जा 6 6 और 2 8 होता है, यानी कि 85.5 आएगा, जब हम इसका इस 1 का डिवाइड देंगे रूट 3 में, रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का बेटे इसमें गुणा करेंगे 28.5 में, तो हमारा 85.8 आएगा, इसका मान इसके समान है, हर का मान जब लासा के समान हो, हर का मान जब लासा के समान हो तो अंश से कह दो जैसा का तैसा नीचे उतर आए, ठीक है जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम मिल जाएं, तो डिनोमिनेटर से कह दो नीचे उतर आए, हर और लासा समान हो जाएं, तो अंश से कह दो जैसा का तैसा नीचे उतर आए, ठीक है तो हमारा हो जाएगा माइनस के 28.5, ठीक है बेटे, अब इसमें से इसे घटा देंगे तो बच्चों चलते हैं थोड़ा इसे मूव ओवर कर लेते हैं, इसे क्वेश्चन हमारा अच्छी तरह आ जाए साफ साफ, ठीक है बेटे देखते हैं थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ठीक बच्चों ये हमारा है, हाँ अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक्स इक्वल बेटे
एक्स इक्वल बेटा हमारा दिया है कितना निकलेगा, ये 19.5 आएगा, सो 57 आएगा आपका, 57 आएगा अपॉन रूट में कितना है 3। तो बेटे 57 को हम ले सकते हैं 19 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 अपॉन रूट में 3 इतना कर सकते हैं। ये किससे इक्वल बेटा, एक्स इक्वल, इससे इसे ख़त्म कर दो, रूट 3 से रूट 3 बेटे क्रॉस कर देंगे, केवल हमारे पास एक्स की वैल्यू बेटे कितनी आएगी 19 रूट में 3 मीटर्स, यही बेटे हमारा आंसर है, क्योंकि लड़का जो चला है वो इतनी दूरी चला है, भवन की ओर कितनी चला है 19.5, हम यहाँ लिख सकते हैं अपना लड़का कितने चला बेटे, चली दूरी बेटे कितनी हमारी, ठीक है दूरी बराबर कितनी बेटे, दूरी बराबर है 19√3, ठीक है यहाँ से यहाँ तक तय की है। एक बार उसको फिर देख लेते हैं थोड़ा जल्दी में, ठीक थीटा बेटे हमारा 60 दिया है, 360 दिया है थीटा हमारा, थीटा 360 दिया है, ऊंचाई हमने 18.5 निकाल ली है, 28.5 निकाल ली है, 28.5 निकाल ली बेटा, 28.5 हमने ऊंचाई निकाल ली है, माना लड़के द्वारा चली दूरी x मीटर है, ठीक है, और x मीटर जब है तो हमने ई से जी तक की वाई मान ली है, उससे और दूरी हमने x मान ली है, यानी कि C से लेके E तक की, यहाँ से यहाँ तक x है, ये हमारी y है, और पूरी यहाँ से यहाँ तक x प्लस y है बेटे, ठीक, और हमें समकोण त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया है, छोटा वाला ये, तो इसकी हमने बताई इसमें थीटा में 60 काम कर रहा है, और लंब है हमारा कितना है 28.5, तो हमने 10√60 लिया है, 10√60 में होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि 28.5 बट्टे वाई, तो हमारे 10√60 का मान होता है रूट में 3, तो रूट 3 रख दिया, वाई को हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया है, √3 इंटू वाई बराबर 28.5। अब केवल वाई का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो गुणा वाला भाग में भेज देंगे, ये गुणा वाला हमने भाग में भेज दिया बेटे, कितना वाई बराबर 28.5 बट्टे रूट में 3, ये समीकरण एक हो गया। फिर हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, ट्रायंगल ले लिया बड़ा वाला, ठीक है समकोण त्रिभुज ए जी और सी में लिया था, समकोण त्रिभुज ए जी सी में, तो इसमें थीटा कितना था बेटे, थीटा हमारा यहाँ पर 30 था, तो मैंने बता दिया आपको इस त्रिभुज में थीटा हमारा बेटे कितना है 30 है, ठीक, और हमारा लंब बी और एक्स प्लस और ये हमारा आधार कितना है एक्स प्लस वाई, और लंब तो वही दिया है 28.5 वही तरह वही रहेगा, तो हमने इसमें भी 10 30 लिया है, 10 में क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर केवल थीटा बदल गया है, 30 की जगह 60 हो गया बेटे, तो यहाँ 10 30 और लंब तो वही है, आधार बदल गया, आधार कितना है बेटे यहाँ पर आधार, ये आधार है, ठीक है ये हमारा आधार है कितना है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई रख दिया है, 10 30 का मान आपका 1√3 होता है, तो 1√3 कर दिया है और भाग वाला गुणा में भेज दिया बेटे हमने एक्स प्लस वाई बराबर 28.5। अब गुणा वाला बेटे हम किस में ले गए, भाग में ले गए, उसका √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बन जाए एक्स, वाई बन जाए वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 रूट में 3। अब वाई को पक्षांतर कर दिया इधर की तरफ, तो प्लस वाला माइनस को हो जाएगा, एक्स बराबर 28.5 यानी 28.5 रूट में 3, ठीक है, और माइनस के वाई समीकरण 2 हो गया, और समीकरण 1 से ये वाला मान उठाएंगे हम, और वाई की जगह पर यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर वाई की जगह पर यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर रख देना इसकी ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ पर यहाँ से उठा के, ठीक है। तो बेटे हमने एक्स बराबर 28.5 रूट में 3, ठीक है, माइनस के वाई का मान 28.5 बट्टे रूट 3, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा एलसीएम लेके कितना 85.5 माइनस के 28.5, ठीक है, और कितना है 28.5, अब 28.5 85.5 से घटाएंगे बेटे 57 आएगा, 57 बटे कितना रूट में 3, अब 57 को हम तोड़ देंगे क्योंकि हमारा 57 क्या होता है 19√3 होता है, 19 दिया 57, और बेटे 3 को हम तोड़ सकते हैं रूट में 3 और रूट में 3 दो बार तोड़ सकते हैं, इसलिए हमने उसको तोड़ दिया है, एक्स बराबर 19√3 और √3 बट्टे में चल रहा है, तो √3 से √3 हमने खत्म कर दिया, √3 से √3 खत्म कर दिया है, तो हमारा रह गया एक्स बराबर क्या रह गया बेटे, एक्स इक्वल हमारा रह गया है 19√3 मीटर, यही हमारी लड़के द्वारा चली दूरी है 19√3 मीटर, यही मेरा आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, जैसे कि टावर हमारा, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर होता है, तल होता है नीचे का हिस्सा, शिखर होता है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए,
देखिए बेटे इसका चित्र देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है बेटे, सॉरी, मान लेते हैं ये हमारा भवन है, ठीक है, और इसको मान लेना भी चाहिए हमें, भवन ये हमारा, क्या ये भवन, ये कितना ऊंचा है 20 मीटर्स, ठीक बेटे, ये हमारा भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है, इसका नाम क्या है, भवन, ठीक। और इससे धरती पर एक बिंदु है, ठीक, इस भवन को हम पॉइंट दे दे रहे ए और बी, ठीक है, और इसी पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये आपकी संचार मीनार है, क्या बेटे, संचार मीनार आपकी ये, और ये संचार मीनार का ये नीचे वाला हिस्सा तल है इसका, ये ऊपर वाला बेटे शिखर है, ये क्या है, शिखर है, और ये नीचे वाला तल है। तो इस बिंदु से यानी कि मान लेते हैं इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, इस इसका नाम हमारा है ए बी भवन है, इस पर मान लो ए से यहाँ तक सी पॉइंट तक एक मीनार लगी है, तो इस पॉइंट से डी मान लें या पी मान लें, इसको पी में रख ले रहे हैं, ठीक है, पी पी से इसके तल यानी कि नीचे वाला सही तल है, तल का कोण कितना है 45 अंश है, कितना बेटे 45 अंश है, ठीक है बेटे 45, और शिखर का इसी बिंदु से पुण्यन कोण यहाँ से यहाँ तक का कितना बेटे 60 अंश है, यहाँ से यहाँ तक 60 अंश है, और इतना वाला कितना 45। तो मीनार की ऊंचाई कह रहा है, इतनी ऊंचाई निकालनी है, तो इसको बेटे हम डिनोट कर लेंगे, मान लेंगे इतनी ऊंचाई, बेटे हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक है, जब इतनी हम एच मान लेंगे तो पूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की आप भी जानते हैं इतनी 20 है ये आपकी, इतनी 20 है ये आपकी एच है, तो ये बेटे हमारी यहाँ से यहाँ तक 20+H हो जाएगी, ठीक है बेटे, और इसको अपनी तरफ से कुछ रख ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, हमें एच का मान निकालना है, एच हमारी मीनार की ऊंचाई है, जो हमें दिया है वो हम रख ले रहे हैं, क्या क्या बेटे हमें दिया है, कि हमें थीटा बुक दिया, थीटा दिया है, पहला दिया है कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है बेटे, और क्या क्या दिया है, हाँ ए बी भवन की ऊंचाई दी है, ए बी बराबर कितनी दी है 20 मीटर, ठीक है बेटे 20 मीटर दिया हमें, कितनी दी है 20 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है h मीटर, और पी वी और मान ले रहे हैं बी पी या पी वी, बी पी बेटा हम रख ले रहे हैं अपना कितना x, ठीक है, लेकिन c से और यहाँ तक भवन, ये मीनार है बेटे, क्या ये हमारी मीनार है, मीनार मीनार और भवन की दोनों की ऊंचाई जोड़ेंगे हम, ठीक है, यानी कि मीनार और भवन दोनों की अगर ऊंचाई जोड़ेंगे तो बेटे कितनी होगी हमारी, यानी कि सी से बी तक बी सी कितनी होगी, बी सी क्या होगी ए बी प्लस सी ए, क्योंकि सी हमें दिया है ना, सी हमने मान रखा है, ये हमारा सी तो है, ये टोटल है, क्या ये सी ए है, ये क्या सी ए है, तो ये हो जाएगी एच प्लस 20 या 20+H, ठीक है, एच प्लस 20 या 20+H, ठीक बेटे, तो ये हो जाएगा 20+H, सारी दूरी हमने निकाल ली है बेटे, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पहले हम ट्रायंगल ये वाले ले रहे हैं ए बी पी, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, तो इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, तो इसमें लंब है और आधार की बात हो रही है, लंब और आधार की बेटे बात हो रही है, लंब और आधार की बात हो रही है, किसकी, लंब और आधार की बात हो रही है, तो टेन के अलावा इसका इलाज कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि लंब बट्टे आधार टेन में आता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं आता है, और उस अगर टेन नहीं लोगे तो उसका विपरीत ले लेना, क्या होता है अपोजिट कॉट ले लेना, कॉट में आधार बट्टे लंब आता है, तो आप जिससे टेन ले लें, टेन लेना आसान भी है, जल्दी हो जाएगा, तो बेटे हम थीटा हमारा कितना यहाँ पर इसके लिए 45 है, इतने इतने के लिए तो हमारा हो जाएगा 10 45 डिग्री इजक्ल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, लंबो बट्टे आधार 20 अपॉन एक्स,
हमें बेटे एक चीज़ पता है कि 10 45 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है बेटे 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 कर देंगे, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, चेंज टू साइड, तो 1 × x वन का मल्टीप्लाई x इक्वल हो जाएगा 20, तो बेटे x की वैल्यू कितनी आ गई 20, इसको रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो डालने के लिए। अब हमें क्या चाहिए, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सा सी बी पी, तो समकोण त्रिभुज सी बी पी ले लेते हैं, ठीक, पुनः समकोण त्रिभुज सी बी पी, इसमें भी परपेंडिकुलर लंब और आधार, ये आधार है और ये हमारा लंब है, बड़ा सा लंब, ठीक है, तो इसमें क्या है 20 + h लंब बट्टे आधार, लेकिन इसका थीटा कितना है, ये थीटा कितना है 60 है, ठीक है, तो इसमें मेरा थीटा कितना है 60 degree है, तो हम इसको ले लें 10, इसको भी 10 लेंगे, 10 60 degree यानी कि 90 60 अंश, ठीक है, 60 अंश ले लिया हमने, तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 20 + h और बेटे आधार कितना अपना x, ठीक बेटे। अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो वो वाली वैल्यू आप यहाँ रख दें, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 10 60, जड़ पड़ जाएगी हमें, 10 60 वैल्यू होती है √3, अपना काम हो जाए और क्या दिक्कत है, ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू होती है कितनी बेटे √3, तो आप यहाँ पर √3 रख देना, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना x हो जाएगा, और इधर बेटे कितना हो जाएगा 20 + h, कितना हो जाएगा 20 + h। अब आपको बेटा देखते हैं क्या है, अब x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो 20, तो हमारा कितना हो जाएगा 20, ठीक, √3, और ये वाला 20 इधर भेज देंगे माइनस के, कितना हो जाएगा 20 इक्वल कितना हो जाएगा h, तो बेटे हमारा h इक्वल कितना आ गया, h इक्वल आ जाएगा 20 में से कॉमन ले लेंगे तो 20 कॉमन ले लेंगे बेटे हम, तो हमारा अंदर रह जाएगा कितना √3 - 1, कितना आ गया बेटे √3 - 1। अब हमें केवल मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो यही हमारी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी बेटे, ठीक है बेटे, यही हमारी ऊंचाई हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 × √3 - 1 मीटर, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार एक बार मूव कर लेते बेटे, ठीक, थोड़ा मूव कर लेते इसको, इससे हमारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक, अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई बराबर बेटे कितनी आई हमारी 20 √3 - 1 मीटर, यानी कि संचार मीनार हमारी 20 √3 - 1 मीटर ऊंची होगी, ठीक बेटे, एक बार फिर देख लेते इसको, क्या कह दिया हमें, हमको कह रहा था भूमि के एक बिंदु ये है 20 मीटर ऊंचा भवन ये है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, ठीक, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इस भवन पर एक संचार मीनार ये लगी हुई है, ये मीनार लगी हुई संचार मीनार, ठीक है, ये बेटे हमारी संचार मीनार लगी हुई है, ठीक बेटे, इसमें संचार मीनार लगी हुई है वाली, ठीक है, ये मीनार हमारी, ठीक है, इतनी मीनार है बेटे, और ये मीनार इस भवन से के ऊपर लगी हुई है, इसका निचला वाला ये तल है, ठीक है बेटे, ये तल है, ये शिखर है, ठीक, शिखर और तल के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है h, ठीक है, h मान ली हमने बेटे, जब h मान ली ये हमारा 20 है, ठीक, ये 20 है और ये h है, तो दोनों को जो ऐड कर देंगे ये c से लेके b तक की दूरी 20 + h, ठीक है, और थीटा हमारे दिए हैं ये इस वाले ट्रायंगल का दिया है हमें कितना दिया है 45, और इस वाले का दिया है पूरे का c और b p का दिया है 60 degree, ठीक है, अब हमें जो थीटा दिए हैं पहला दिया है हमें 45 पे दिया 60, तो ए बी बराबर हमें दिया है 20 मीटर, हमने मीनार की ऊंचाई बेटे कितनी मान ली h मीटर मान ली, तो टोटल जोड़ेंगे
ठीक है, बीपी भी हमने कितना मान लिया एक्स रखने के लिए, ठीक है। अगर बीपी भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीपी बराबर एक्स मान लो, एक्स मीटर, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब बेटे बीसी बराबर हमारा कितना आएगा, बीसी का बी से सी तक कौन है, ए से सी तक प्लस ए से बी तक, दोनों को ऐड कर दो तो 20 प्लस एच हो गया हमारा ये, ठीक। समकोण त्रिभुज हमने फिर ये वाला ले लिया है, ए ए बी और पी, ये हमने ले लिया है बेटे समकोण त्रिभुज। तो इसमें लंब हमारा लंब कितना है, एल कितना है 20 है, और इसमें आधार कितना है इस वाले में एक्स है, ठीक है। तो टेन 45 बराबर लंब बट्टे आधार, यानी कि 20 अपॉन एक्स, टेन 45 की वैल्यू होती है कितनी बेटे, 1 होती है, ठीक है। तो 1 वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई, वो डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ठीक है, भाग वाले को गुणा में भेज देंगे। तो 1 इंटू एक्स बराबर 20, एक्स इक्वल कितना आ गया 20 हो गया, एक्स इक्वल कितना आ गया बेटे 20 आ गया, ठीक। अब पुनः समकोण त्रिभुज, अब मैं ले रहा हूँ ये वाला ले रहा हूँ, केवल इतना इतना बड़ा वाला, ठीक है बेटे, ये ले लिया। तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है सी बी और पी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, सी और बी पी है। तो हमने पुनः समकोण त्रिभुज सी बी पी ले लिया, इसमें थीटा कितना बेटे 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर, इसमें भी लंब वट्टे आधार की बात हो रही है बेटे, किस बात हो रही है, लंब वट्टे आधार की बात हो रही है। तो टेन 60 इक्वल हो गया लंब वट्टे आधार, लंब है हमारा 20 प्लस एच बट्टे, 20 प्लस एच बट्टे एक्स है, कितना बेटे एक्स है, ठीक है। अब टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू मैंने ये लिख दिया आपके सामने, ठीक है, टेन 60 इक्वल होता है रूट में 3, तो रूट 3 हम यहाँ रख देंगे, और भाग वाला एक्स इधर गुणा में चला जाएगा तो रूट 3 एक्स हो जाएगा, बराबर 20 प्लस एच आ गया आपका। अब रूट 3 एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दूँ समीकरण 1 से, तो हो जाएगा आपका 20 रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रूट 3, और इस 20 का 95 कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा एच। तो बेटे हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है, 20 कॉमन ले लेंगे, तो h बराबर 20 रूट में 3 माइनस 1 मीटर। तुम कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई, जो ये मीनार लगी है, ये मीनार लगी है ना, वो कितनी है, ये मीनार जो लगी हुई है वो 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर लगी हुई है ऊंची, ठीक है। तो इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर, यही बेटा हमारा आंसर है। चलते बेटे, मंजिलें बहुत हैं, करना बहुत बहुत कुछ है बेटे, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान नहीं होना है बच्चों, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आपकी नॉलेज आपको ही है, किसी दूसरे को नहीं है बच्चों। आप में जितनी शक्ति है वो आप भी जानते हो, अगर आपको शक्ति पहचाननी है तो अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति पहचाननी है तो अपने आप को पहचानो। चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन में बच्चों। एक पेडिस्टल होता है किसी मूर्ति को बनाने के लिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पर इस पर मूर्ति खड़ी की जाती है, मान लो ये हमारा पेडिस्टल है, ठीक है बेटे, इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति खड़ी कर दिया है, मान लो किसी की मूर्ति खड़ी कर दिया है, किसी की ये मूर्ति है, तो मूर्ति को खड़ा करने का स्थान होता है पेडिस्टल, ठीक है। ये मूर्ति हमारी जिस पर मूर्ति खड़ी की जाती है, पैड में होता है पैर, मूर्ति के पैर जिस पर रखे जाते हैं, एक ऐसा स्टैंड जिस पर मूर्ति को रखा जाता है उसको पेडिस्टल बोलते हैं। लेकिन वो मूर्ति से पहले मूर्ति को दिखाने के लिए बनाया जाता है, जैसे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है, उसको उसके नीचे जो सीमेंट टाइप या किसी का एक चौकोर सा बना दिया जाता है वो पेडिस्टल होता है, या महारानी लक्ष्मीबाई के नीचे भी लगा हुआ होगा उनकी मूर्ति के नीचे, जितने भी महान पुरुष हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, जैसे भी जितने ही महापुरुष, सभी के नीचे कहीं ना कहीं उन्हें मूर्तियों को दिखाने के लिए एक ऐसा स्टैंड बनाया जाता है जो सीमेंट का होता है, उसी को हम पेडिस्टल कहते हैं, ठीक है बेटे। चलते हैं, अब हमारा इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है बेटे, एक बार रफ कर लेते इसको, तो क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते बेटे। एक पेडिस्टल के शिखर पर, यानी कि उसके ऊपर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का कोण 45 अंश है, उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी बेटे हमने एक सवाल किया था, क्या किया था, भवन वाला, भवन के ऊपर लगी एक संचार मीनार, उसी का ये अपोजिट है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा पूछना था, चित्र सेम रहेगा बेटे, उसमें ऊपर वाला हिस्सा पूछ रहा था, इसमें नीचे वाला पूछ रहा है, करने का तरीका भी सेम रहेगा, ठीक है, उससे इसमें हिंट मिलेगी हमें। तो देखते हैं थोड़ा सा
कि कुछ है, कुछ करने के लिए है तो देख लेते हैं थोड़ा। तो बेटे देखो, ये हमारा पेडिस्टल है, मानते हैं, ठीक है बेटे, क्या ये पेडिस्टल है, क्या बेटे हमारा ये पेडिस्टल है, ये बेटे हमारा पेडिस्टल है, इस पर हमारी एक मूर्ति हमने खड़ी कर दी, ये मान लो हमारी मूर्ति है, ठीक है बेटे, ये पेडिस्टल है, इस पर एक मूर्ति खड़ी कर दी हमने, तो और यहाँ पर धरती पर एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, और बेटे मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6.5 मीटर, ठीक है। अब मूर्ति के शिखर से, ठीक है, पेडिस्टल हमारा कितना है, ए और बी, इस पर हमने एक मूर्ति लगा दी, सी और ए, सी नाम की एक मूर्ति है, ये बेटे क्या है, मूर्ति हमारी, क्या बेटे, मूर्ति है, और नीचे वाला हिस्सा बेटे क्या हमारा, ये क्या है, पेडिस्टल है, चाहो तो इसको लिख लो नाम, पेडिस्टल हमारा, ठीक है, पेडिस्टल है ये, जिस पर मूर्ति खड़ी की जाती है, ठीक है, पेडिस्टल, ठीक। अब इस पेडिस्टल की ऊंचाई में निकाल ली है, ये में दी है, और मगर एक काम उसने कहा है कि एक भूमि के तल बिंदु से पहले तो इसके शिखर को देखा गया, मूर्ति के शिखर को, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बेटे कितना था, 60 अंश था, 60 डिग्री था, फिर उसके मूर्ति के पाद बिंदु को देखा गया, यानी कि पेडेस्टल के शिखर मान सकती हो, पेडेस्टल के शिखर को, ये पेडेस्टल का शिखर है लेकिन मूर्ति का पाद बिंदु है, मूर्ति के लिए पाद बिंदु ये वाला ए, और पेडेस्टल के लिए शिखर है, तो अब यहाँ इसको देखा गया, तो जो 60 अंश का कोण था वो किसमें बदल गया, 45 में, ठीक है बेटे, चित्र उसी से कॉमन लग रहा है, सेम टू सेम, ठीक। अब हमें हमसे कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, अभी हमने मूर्ति संचार मीनार को माना था, ऊपर वाले को एच माना था, नीचे वाले को एच मान ले रहे हैं, लेट बी कंसीडर माना कि इसको हमने एच मान लिया है, एच मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है बेटे, इसका नाम दे दे रहे हैं, इसका भी नाम पी दे दे रहे हैं हम, ठीक है, और इसको भी हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स, ठीक। अब हम इसको लेट भी कंसीडर कर ले रहे हैं, थोड़ा मान ले रहे हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है बेटे, कितनी मान ली हमने, एच मीटर, ठीक है, ये हमारी ए बी है, क्या ये, इसको हम ए बी कहेंगे, ठीक। अब हमें ए सी दिया है, मूर्ति दी है हमें, ए सी कितनी दी है बेटे, ए सी हमारी दी है 1.5 मीटर, ठीक है। अगर हम बी से सी तक निकालेंगे तो बी सी बेटे कितनी हमारी, 1.5 प्लस कितनी, 1.6 चल रही है, 1.6, ठीक है बेटा, कहीं पर अगर मिस्टेक हो गई हो तो देख रहे चित्र में सही लिखा हुआ, सब चीज़ सही लिखा हुआ बेटा, ठीक है बेटे, वो जाता बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटे, देखते हैं 1.6, ठीक है, और ये कितना है h, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h मीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब अपने पॉइंट पे आते हैं हम, ठीक, हमें करना क्या, हाँ, हमारे थीटा दिया है, थीटा का कौन सा दिया है, थीटा दिया है 45 दिया है, और 60 दिया है, 60 दिया है, ठीक है बेटे, और इसको और मान लेते हैं क्या है, पी बी या बी पी, पी बी बेटे हमें कितना दिया है, पी बी हमारा एक्स मीटर, ठीक है, इससे इसी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एक बार ले लेते हैं क्या, कि इन ट्रेंगल ए बी पी में, ए बी पी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, तो इसमें बेटा टेन 45 लेते हैं हम लोग, टेन 45, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एक्स, ये लंब बट्टे आधार, ठीक है, तो एच बट्टे एक्स हो जाएगा, आप जानते हैं, आपको पता है, हम भी जानते हैं, टेन 45 की वैल्यू होती है कितनी, 1, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो इनटू हो जाएगा एक्स इक्वल एच, ये हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू होगी कितनी, एच, इसे डाल दो इक्वेशन बेटे कितनी, फर्स्ट,
ठीक है, तो क्वेश्चन बन डाल दो इसको बेटे आप, ठीक है। अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कौन सा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ले रहे हैं, ये बड़ा वाला, इसको ले रहे हैं, इसको क्या है, इसको CBP में, तो इसका थीटा कितना है बेटे, इसका थीटा कितना है, इसका थीटा है कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा कितना, पुनः है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBP में, किसमें CBP में, ठीक है। तो बेटे इसमें भी लंबवटी आधार, तो अब इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की का डिस्टेंस कितना है, 1.6 प्लस कितना h मीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस हो गया टोटल इसका ही, तो हमारा हो जाएगा टेन साठ हो जाएगा लंब बट्टे आधा 1.6 प्लस एच बट्टे एक्स, ठीक है बेटे। अब टेन साठ की वैल्यू उसी की तरह आपको बतानी पड़ेगी मुझे, यहीं लिखकर कि टेन सिक्सटी कितना होता है बेटे, रूट में 3 रख दीजिए, रूट 3 और मल्टीप्लाई एक्स आएगा तो एक्स रूट 3 हो जाएगा, इक्वल टू बेटे कितना हो जाएगा 1.6 प्लस कितना हो जाएगा एच, ठीक है बेटे। अब समीकरण एक से जे एक्स है ना, एक्स की तरह दो एच रख दो, तो लिख देंगे समीकरण एक्स एक से, ठीक है, समीकरण एक से एक्स बराबर एच रखने पर, तो एक्स बराबर एच यहाँ रखना है, ठीक है, और इस वाले एच को भी इधर ले आना है, थोड़ा मूव कर लेते बेटे, थोड़ा सा मूव हो जाए, ठीक कर लेते हैं, अपना काम भी हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो हमें क्या करना है, समीकरण एक से एक्स बराबर एच रखने पर यहाँ रख दीजिए, तो ये वाला एच इधर ले आएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स रूट 3 एक्स, एक्स का मान रखना हमने लिख रहे हैं, तो एक्स का मान रखना है, इसे हटाना है, तो एक्स के कितना रखना है एच रखना है, ये रखना है एच, ये वाला रखना है इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ कितना रूट 3 इंटू एक्स के बेटे कितना आ जाएगा एच आ जाएगा, ये वाला एच पसंद कर लो, माइनस का एच हो जाएगा बराबर 1.6 आ जाएगा। इसमें से बेटे एच कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन ले लेंगे बेटे, एच कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एच को हम कॉमन ले लेंगे, तो जब हम एच कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एच कॉमन लेने के बाद रूट 3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 1.6, ठीक है बेटे, 1.6 हो जाएगा, ठीक, 1.6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला किसमें भेज देंगे डिवाइड में, तो बेटे हमारा एच इक्वल हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट में 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जब तक हमारे रूट में बट्टे में रूट है तो रूट हटाना पड़ता है हमें, इसका एक नियम होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है हमें, यानी कि हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक, तो हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण यानी कि इसकी संयुग्मी से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं, अगर ये मानस चिन्ह है यहाँ इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो लिख भी दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर, सॉरी बेटे, करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, करने पर, आइए बेटे चलते हैं, h इक्वल 1.6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 में रूट 3 प्लस 1 का। इसमें हमारा वर्गांतर लग जाएगा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमने जानते हैं जब एक ब्रैकेट में हमारा a प्लस b हो और दूसरे ब्रैकेट में बेटे a माइनस b हो तो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, जब आपको दिखे पहला ब्रैकेट प्लस का दूसरा ब्रैकेट माइनस का तुरंत लगा दो वर्गांतर, पहला स्क्वायर प्लस का दूसरा स्क्वायर माइनस का, तो इसमें भी ऐसे ही काम कर देंगे हम, तो ये बेटा हमारा हो जाएगा h इक्वल 1.6
और रूट में 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटे, माइनस 1 का स्क्वायर। एच इक्वल बेटे हमारे कितनी हो जाएगी 1.6 रूट में 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का कितना होता है 3 और 1 का 1 होता है, ठीक है बेटे। तो एच इक्वल बेटे हमारा हो जाएगा 1.6 और रूट में कितना 3 प्लस 1 और इसमें से डिवाइड कर वो घटा देंगे, 3 में से एक चला जाएगा, 2 बचेंगे हमारे। थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं, ठीक है बेटे, इससे हमारा क्वेश्चन क्लियरली हो जाए और क्लियरली आ जाए, आपका क्लियर आ जाए, ठीक है। चलते बेटे आगे, ठीक आगे चलते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 1.6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटे तो 0.8 बार जाएगा, आप जानते हैं, ठीक है, 0.8 बार। तो हमारा हो जाएगा h इक्वल 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर्स। ये बेटा हमारा आंसर है, पेडिस्टल की ऊंचाई बेटे हमारी यही है, हम चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः ऊंचाई बराबर किसकी, पेडिस्टल की, ठीक है। अतः ऊंचाई बराबर कितनी है 0.8, ठीक है, रूट में 3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर है। चलते हैं बेटे, ठीक बेटे, एक बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो ये मूर्ति है, इसकी ये मूर्ति बेटे हमारी है, ये पेडिस्टल, आपको बताया था मैंने पेडिस्टल के बारे में, ये पेडिस्टल हमारा, इस पर ये मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से। तो भूमि का एक बिंदु जो है, ये बिंदु है जो भूमि पर है, काय पर है, भूमि पर, यानी कि धरती पर है, धरती पर बिंदु ये वाला, किस पर है, धरती पर है, ठीक है, भूमि का एक बिंदु है वाला। अब बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी कि इस बिंदु से मूर्ति को देखने पर, मूर्ति को देखने पर, मूर्ति के शिखर को, ये शिखर है, ठीक है, शिखर को देखने पर, शिखर होता है शीर्ष या सर, शिखर को देखने पर थीटा कितना हो जाता है, ये थीटा यहाँ से यहाँ तक का पूरा थीटा कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर को देखने पर थीटा कितना हो जाता है बेटे, थीटा हमारा कितना हो जाता है 45। अब यहाँ से इसे देखा जा रहा है, इसके शिखर को, ये पेडिस्टल का शिखर है, तो इसका थीटा कितना 45, ठीक हो जाता है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेडिस्टल की ऊंचाई चल रही है, ऊंचाई हमने एच मान ली है, मूर्ति 1.6 दी है, थीटा 60 और 45 दिया ही है हमें, नीचे वाले को हमने बी पी को हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। तो मान लिया, माना पेडिस्टल की ऊंचाई एच मीटर बराबर ए बी, यानी कि ए बी एच मीटर ही है, ठीक है। ए सी बेटे हमारा कितना है 1.6, ठीक है, मीटर्स, और हमारा हमने थीटा क्या दिया, बी सी हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी, और इतनी से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो क्या 1.5 प्लस एच, तो बी पी के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, बी ए से बी, फिर ए से सी, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1.6 प्लस एच मीटर से हमारी ये बी सी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने पहला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला मैंने बताया था आपको, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम है ए बी पी, ठीक है। तो हम ए वाला त्रिभुज ले लेंगे, लेकिन थीटा हमें क्या कर दिया, हमने बता दिया आपको, थीटा 45 दिया है और 60 दिया था, बी पी हमने क्या माना था, एक्स मान लिया, तो समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में इसमें थीटा 45 आ रहा है, इसलिए टेन 45 बराबर लंब हमारा एच है, आधार कितना एक्स है, तो एच बट्टे एक्स हो जाएगा बराबर टेन 45, टेन 45 वैल्यू होती है 1, उसका एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा एच, तो हमारा एक्स बन जाए एक्स, एक्स इक्वल हो जाएगा एच, यानी कि एक्स इक्वल कितना आ गया हमारा, एक्स इक्वल कितना आ गया एच आ गया, ठीक है, एच इक्वल एक्स या एक्स इक्वल एच आ गया, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या ले लिया हमने, ये वाला सी, ये सी है सी बी और पी, बड़ा वाला ले लिया, तो इसमें इसका थीटा कितना है 60 है, ठीक है। तो पुनः 10 60, पुनः समकोण त्रिभुज सी बी पी में, तो 10 60 बराबर लंब वट्टे आधार, लंब इसका ये वाला है, आधार वही है पुराना वाला, ठीक है, 1.6 प्लस एच वट्टे कितना है एक्स, 10 60 का मान आपको पता है, ये लिखा हुआ है रूट में 3, तो रूट 3 और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 एक्स हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस एच हो जाएगा, और समीकरण 1 से एक्स की जगह पर क्या रखने पर एच, ठीक है, समीकरण 1 से एक्स बराबर एच रखने पर, तो यहाँ पर रूट 3 रहेगा वैसे ही, एक्स घट जाएगा, एक्स एच आ जाएगा, और ये वाला एच इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 1.6 रह जाएगा,
एच कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो आपको बताया बेटे कितना मान लेते हैं, वन होता है हमेशा। जब कोई संख्या के मल्टीप्लाई में वन नहीं होता तो तब संख्या का नाम होता है, लेकिन जब गिनती आती है तो संख्या का पहले नाम आता है वन का, ठीक है, वन का नाम पहले आता है। एच कॉमन ले लेंगे तो रूट थ्री माइनस वन और बराबर 1.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला हमारा डिवाइड में चला जाएगा। इसका हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, गुणा वाला भाग में आता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है, गुणा वाला भाग में आता है, भाग वाला गुणा में चला जाता है, ठीक है। तो ये गुणा में है, ये भाग में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो एच बराबर 1.6 बट्टे रूट में 3 माइनस 1। लेकिन ये आंसर हम दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमें जब परिमेयकरण करना सिखाया है तो परिमेयकरण कर लेना चाहिए, जब तक रूट बट्टे में है तो उसमें परिमेयकरण कर लेना चाहिए। तो हर का परिमेयकरण करने पर इसका चिन्ह बदल कर, ठीक है, जैसे हमारा हर क्या रूट थ्री माइनस वन है तो इसका संयुग्म क्या होगा, रूट थ्री प्लस वन होगा, कभी ये होगा तो फिर इसका होगा, ठीक है। अभी ये वाला है तो इसका मल्टीप्लाई होगा आंसर में, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करने पर चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है, एच बराबर 1.6 गुणा रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन गुणा रूट थ्री प्लस वन, देख गया अपर का अंतर, एक कोष्टक माइनस का दूसरा प्लस का। ये सूत्र आप भूल मत जाना, ये वाला सूत्र, जब जब देखे एक कमरा प्लस का दूसरा कमरा माइनस का तुरंत लगा दो वर्गांतर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये वाला हम लगा देंगे। तो h बराबर 1.6 मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस वन, अब यहाँ पर हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर रूट और माइनस वन का स्क्वायर, 1.6 रूट थ्री प्लस वन और ये रूट थ्री का हो जाएगा थ्री, वन का हो जाएगा वन, 1.6 प्लस के रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई में और ये हमारा हो जाएगा तीन में से एक जाएगा, तीन में से एक जाएगा दो बचेगा, दो से इसे काट देंगे। मैंने बताया था आपको, बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था जब 1.6 में हम टू का डिवाइड देंगे तो हमारा एक में भाग नहीं आएगा, भाग टूटी की आई बिंदी पॉइंट है तो पॉइंट रख देंगे और दो अट्ठे 16, तो हमारा कितना आ जाएगा, h बराबर 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर, इतनी हमारी किसकी पेडस्टिक ऊंचाई आ गई, तो लिख दिया हमने अतः ऊंचाई बराबर 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, यानी कि पेडस्टल हमारा इतना ऊंचा, ये h है ना, ये h है ना, कितनी है कि 8 कितना रूट 3 प्लस वन, यही हमारी पेडस्टल की ऊंचाई है और यही बेटे मैं आंसर निकाल रहा था, ठीक है बेटे। अगर भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप जुड़े रहें चैनल से और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें और कमेंट में आंसर भी देते रहें। बेटे मंजिलें बहुत हैं, करना तो बहुत कुछ है, बताया था आपको, लेकिन आप हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें, तभी चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार भवन से 50 मीटर मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर एक बार देखते बेटे क्या है, अच्छी तरह देख लेते हैं इसको हम। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद होता है पैर वाला बिंदु, मैंने दादा जैसे कोई मीनार है, मान लेते हैं ये वाली हमारी मीनार है, ठीक है। अब इसका देखो, पहले आपको बता दें मीनार हमारी, मीनार की चोटी आपको दिखा दें, आपको ये हमारा शिखर होता है, ठीक है बेटे, सवाल कर लेंगे। और पाद क्या होता है, ये पाद होता है, पाद बिंदु, ठीक है, सीधी बात है, निचला वाला जो हिस्सा होता है वो पाद बिंदु में आता है और सर वाला जो हिस्सा होता है वो शिखर में आता है, ठीक है बेटे। तो अब हम चलते हैं एक बार फिर सवाल को देखते हैं और सवाल को अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें, ठीक है बेटे, सवाल को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें क्या कह रहा है सवाल, कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसका मतलब शिखर का, मीनार के पाद बिंदु शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो शिखर इसका मतलब बहुत, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण कितना 60 अंश, तो इसका मतलब ये पक्का है कि ऊंचाई घटने पर कोण छोटा होता है और ऊंचाई बढ़ने पर कोण बड़ा होता है, और लंबाई बढ़ने पर कोण छोटा होता है, ठीक है, और लंबाई कम होने पर, दूरी कम होने पर कोण बड़ा होता है, ठीक है। कहने का सीधा तात्पर्य है, अगर हम ये ऊंचाई बढ़ाएंगे तो हमारा कोण बड़ा होगा, लेकिन ये वाली लंबाई बढ़ाएंगे तो कोण छोटा होगा। क्षैतिज वाली ऊर्ध्वाधर बढ़ने पर कोण बड़ा होता है, क्षैतिज वाला बढ़ने पर कोण छोटा होता है। तो उसने एक बात कही है हमसे, क्या कही है, ठीक है बेटे, क्या कहा है उसने, कहा है एक तरफ भवन है एक तरफ मीनार है, इसका मतलब मीनार बड़ी है
तो एक तरफ भवन है, एक तरफ मीनार है। तो इधर बेटे हम भवन मान ले रहे हैं अपना, ये हमारा भवन है, ठीक है, और इधर हमारी बेटे मीनार है, ठीक। और नीचे दोनों, ये मुझे लगता है दोनों एक सामने खड़े हैं, आमने सामने। तो क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है, पहले तो ये हमारा भवन है, इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी, और ये मीनार हमारी क्या है, सी और डी, ठीक है बेटे। अब ये दोनों धरती पर खड़े हुए हैं, आमने और सामने। अब कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं ये पता नहीं है, लेकिन ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार हमारी इधर है, ये इसका हमने नाम दे दिया मीनार, मीनार। और ये हमारे भवन साहब है, घर है, ठीक है, भवन है। तो मीनार भवन में बहस हो रही है, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा तुम मेरे पाद बिंदु होते, मैंने बताया था वो पाद बिंदु नीचे वाला हिस्सा, पाद बिंदु, चाहे भवन का हो चाहे मीनार का हो, ठीक है। और शिखर होता ऊपर वाला हिस्सा, ये शिखर है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि मीनार के भवन के शिखर से, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 अंश है। तो मीनार के यहाँ से देखने पर आँख अब हम इधर ले आए, अपनी अपनी दृष्टि इधर ले आए और इसको इधर देखें, यहाँ से देखेंगे तो देखने पर भवन अपना जैसा बनाएगा और इसका कोण कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का। अब आँख को इधर लाओ, उसने कह दिया। अब क्या किया गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर, अब दोबारा आँख फिर अपनी इधर लाओ, यहाँ से इसे देखने पर, तो यहाँ से इसे देखने पर तो हमारा ठीक है, कितना हो जाएगा 60 अंश, कितना हो गया 60 अंश हो गया, ठीक है, कितना हो गया 60 अंश हो गया। अब कह रहा है तो, और कह रहा है उसने एक बात कही, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची, कितनी ऊंची है 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार बेटे हमारी कितनी है 50 मीटर ऊंची है। तब हमसे कह रहा है भवन की ऊंचाई याद कीजिए, सीधी बात है, मान लेते हैं लेट वी कंसीडर, क्या मान ली एच मीटर, इसको हमने क्या मान लिया एक्स, सिंपल क्वेश्चन, चित्र सामने आ गया, सब काम हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपका आपके सामने बसते थे। तो बेटे एक बार देख लेते हैं ये हमारा क्या है, जो दिया उसको लिख लेते एक बार, ठीक है। हमें क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई यानी कि डी सी डी कितनी दी है, सी डी दी है 50 मीटर, ठीक है। थीटा क्या क्या दिया हमें, थीटा 30 दिया है और 60 अंश दिया है, ठीक है बेटे, 30 और 60 अंश दिया है। अब इसको हमने क्या मान लिया, भवन की ऊंचाई माना, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी बेटे, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है इसका a और b, ऊंचाई ए भी बराबर है कितनी दी बेटे एच मीटर। अब क्या करना है, और बी डी और मान लेते हैं हम, बी डी बेटे हमारे पास कितना है, बी डी हमारा है एक्स मीटर। अब सीधी बात है, सीधे सवाल कर लेते हैं अपना, क्या लेना है पहले, इसे लेना है या ऐसे लेना है, एच निकालना है पहले, ये ले लो, इसमें एक सब्जी कॉमन दी है, इसमें सब्जी दे रखा है, ठीक है 50 मीटर, तो ये ले ले रहा हूँ। और लंब और आधार की बात हो रही है इसमें, लंब बट्टे आधार, तो टेन ले लो, इसका थीटा कितना 60, तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, सी डी बी में, सी डी बी में, तो इसमें टेन 60 ले लेंगे, टेन 60 इक्वल, ठीक है, टेन थीटा इसीलिए ले रहा हूँ कि लंब बट्टे आधार की बात हो रही है, 50 बट्टे कितना बेटे एक्स है, ठीक है, इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक इक्वेशन फर्स्ट डालो इसे अपना। अब हम करते हैं क्या, टेन साठ ले लिया हमने, टेन साठ के बाद अब हमें करना क्या, इतना ले लिया हमने टेन साठ, ठीक। अब टेन साठ से काम चलेगा बेटे, सॉरी इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो थोड़ी समय के लिए, ठीक है। यहाँ से हमें टेन साठ, टेन सिक्सटी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है बेटे, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट में 3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या रूट 3 रखते हैं, तो बेटे वहाँ कितना हो जाएगा एक्स रूट 3 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगा एक्स इक्वल कितना हो गया 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक, क्योंकि हमें पता है हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में भेज देंगे, एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा 50 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा 3, इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लेते हैं
त्रिभुज वाले ले लेते हैं, ठीक है। क्या है इसका नाम? ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी लेते हैं। इसका डेटा कितना? 30। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है बेटे। तो इसमें थीटा 60 अंश है, 30 अंश सॉरी, इसमें थीटा कितना? 30 अंश। तो इसमें ले लेंगे 10 30 बराबर लंब बट्टे आधार, तो पुरानी रहेगा, लंब बदल गया है, तो लंब कितना है? एच बट्टे कितना है? एक्स। और 10 30 की वैल्यू आप जानते हैं, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 कितना? 3। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे इसके, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा? 10 30 की वैल्यू रखनी है, हम ये क्या कर रहे हैं, 10 30 की वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितना? 1/√3, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स बराबर कितना? एच, ठीक है, बराबर कितना? एच है, ओके, एच दिया है। तो हम कह सकते हैं कि एच इक्वल एक्स अपॉन √3। तो लिख दो समीकरण एक से, समीकरण कितने से? एक से, एक्स बराबर 50/√3 रख, ठीक है, 50/√3। तो हमारा हो जाएगा एच इक्वल, ठीक है, 50/√3 √3, क्योंकि बट्टे वाला बेटे, ये बट्टे वाला है, बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो बेटे यहाँ हमारा कितना आ जाएगा आंसर? इसका एच इक्वल हो जाएगा कितना? एच इक्वल हमारा हो जाएगा 50/ बेटे कितना? 3। कितना हो जाएगा? 50/3, ठीक। अब वैसे तो आंसर ये आ गया, लेकिन अब इसको सही भिन्न में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न रूप में बना लेंगे। तो भिन्न रूप में कैसे करेंगे? 3 का डिवाइड दे देंगे 50 में, ठीक है, और 3 का 50 में डिवाइड दे देंगे बेटे हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 बन जा 3, ठीक, 2 बचेगा हमारा घटाने पर, और इसको इधर ले आएंगे 2 हो जाएगा, और 3 6 18, ठीक, 18 बचेगा, और 6 पर कितना हो जाएगा रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2, ठीक, घटाने पर। तो हमारा एच वाला कितना हो जाएगा, सोलह सही 2/ कितना आया? 3 मीटर्स। यही हमारी ऊंचाई, किसकी किसकी ऊंचाई है? भवन की ऊंचाई। तो मान कह देंगे अतः भवन की ऊंचाई, अतः ऊंचाई बराबर, सॉरी भवन की क्या ऊंचाई है, अतः ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी बेटे? 16 सही 2/3 मीटर। यही हमारा आंसर है, यही मिले के आना था, ठीक बेटे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों हिम्मत नहीं हारनी है, बोर्ड में नाम करना है, और ऐसी मंजिल किस काम की जिसमें मज़ा नहीं है, मेहनत नहीं है। मेहनत करने से अगर मंजिल मिल जाए, बगैर मेहनत की मंजिल मिल जाती तो मंजिल को कोई पूछता नहीं। मेहनत करने से मंजिल का मज़ा ही कुछ और होता है। आपके हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, आपकी हिम्मत में भी जान होनी चाहिए, मंजिल अपने आप मिलेगी। ऐसी ठोकरों से हमें सीखना।